हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अलग चीज़ सैंडविच, जिसे खाकर आप ऐसा ही चीज़ सैंडविच खाना हमेशा पसंद करोगे। इस रेसिपी के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो पहले हम चीज़ की फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में प्रोसेस चीज़, मोजरेला चीज़, चॉप ग्रीन चिली, चॉप ग्रीन कैप्सिकम, चॉप कोरिएंडर, ड्राई ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, क्रश पेपर, इन सब को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक बड़े से बाउल में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, इन सब को थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाद में और पानी डालकर मीडियम थिक बैटर बना लेंगे। इस तरह बैटर बनाने से बैटर में लम्स कभी भी नहीं बनेंगे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। बैटर की कंसिस्टेंसी इस रेसिपी में बहुत इम्पोर्टेंट काम करेगी। अभी हमें ब्रेड पर चीज़ की फिलिंग लगा लेनी है। फिलिंग को अच्छे से दबाकर ब्रेड पर लगा लेना है। आप चाहे तो हरी चटनी भी ब्रेड पर लगा सकते हो, लेकिन उस रेसिपी में थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। मैं आपको वो रेसिपी किसी और दिन दिखाऊंगा। अभी दूसरे ब्रेड को हमें इस पर रख के अच्छे से दबाना है। सैंडविच बनाते समय कभी भी एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ब्रेड के किनारे हमेशा एक दूसरे से मैच होने चाहिए। जैसे वो ब्रेड के पैकेट्स में होते हैं ना, उसी तरह एक दूसरे पे सैंडविच के बाद होने चाहिए। तो अभी सैंडविच को फ्राई करने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो पहले हम सैंडविच को बैटर में डुबा लेंगे और बाद में उसे तेल में छोड़ेंगे। और जैसे ही तेल में छोड़े, हमें करछी से तेल को सैंडविच के दूसरी ओर भी डालना है। इससे ऊपर का बैटर भी पक जाएगा। इसीलिए मैंने बैटर बड़े बाउल में बनाने को कहा था। इससे सैंडविच बैटर में एक ही बार अच्छे से कोट हो जाता है। पहले आपको सैंडविच 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और बाद में मीडियम फ्लेम पर कलर आने तक पलट पलट कर फ्राई करना है। इससे अंदर का चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और कोटिंग क्रिस्पी हो जाएगी। बैटर की कंसिस्टेंसी इस रेसिपी में बहुत इम्पोर्टेंट काम करेगी। अगर आपका बैटर पतला हुआ तो सैंडविच फ्राई करते समय चीज मेल्ट होकर बाहर आ सकता है। इसके लिए मीडियम थिक बैटर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा सैंडविच अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्राइड सैंडविच का कलर इस तरह से दिखना चाहिए। वाह, हमारा सैंडविच परफेक्टली बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये जो सैंडविच की रेसिपी है वो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।